हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कांतारामस किचन। आज मैं बनाऊंगी पालक के पकौड़े। मैं ये पालक के पकौड़ों में एक ऐसा स्पेशल इंग्रेडिएंट यूज करने वाली हूँ, जिसे डालने से आपके पालक के पकौड़े बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनने वाले हैं। तो आप भी मेरे ये पालक के पकौड़ों की रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करें, और अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, अब मैं इसमें डालूंगी बेसन। बेसन बेसन को मैंने छान लिया है, अब मैं इसमें डालूंगी पालक, नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, चौथाई छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें वरना ना डालें। फिर मैं इसमें डालूंगी ये साबुत धनिया। मैं यहाँ पे साबुत धनिया यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप अगर चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कभी भी पालक के पकौड़ों में साबुत धनिया यूज़ नहीं किया है तो आप एक बार इसे यूज़ करके ज़रूर देखें, और ये इन पकौड़ों का टेस्ट बहुत बढ़ा देता है। तो इसमें आप साबुत धनिया जरूर डालें। और यहाँ मैं डालूंगी चुटकी भर हींग, और अब मैं इसमें डालूंगी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, जिसको डालने से हमारे जो पालक के पकौड़े हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनने वाले हैं, मतलब एकदम कुरकुरे बनेंगे। वो है चावल का आटा। मैं यहाँ पे 2 चम्मच चावल का आटा यूज़ करूंगी। चावल के आटे से हमारे जो ये पालक के पकौड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनने वाले हैं। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। मैं इसमें डालूंगी पानी, और पानी डाल डालकर, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बना लूंगी। इसे इस तरह से फेंट ले, आप देखेंगे कि जो ये पकौड़े हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनने वाले हैं। चम्मच जो हमने इसमें चावल का आटा डाला है उनसे इनकी जो क्रिस्पी और क्रंचीनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये मैंने फेंट लिया है, इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम बराबर है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा या पतला हमें नहीं करना है। तो अब हम इसके पकौड़े बनाएंगे। मैंने कढ़ाई में यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया है पकौड़ों को फ्राई करने के लिए। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब मैं इसमें अपने पकौड़े डालूंगी। इस तरह से आप अपने पकौड़ों को इस तरह से छोड़ें, आप चाहें तो चम्मच से भी बना सकते हैं। तो देखिए मैं अभी एक बैच में इतने ही पकौड़े सेक रही हूँ, इतने ही पकौड़े मैं दूसरे बैच में सेकूंगी। तो मैंने अपना पहला बैच पकौड़ों का डाल दिया है। अब गैस का फ्लेम आप मीडियम कर दें, और मीडियम फ्लेम पे इन्हें पलट पलट कर आप गोल्डन होने तक सेक लें। आप याद रखें कि आपको इन्हें मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है, क्योंकि अगर आप इसे हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो जो हमारे पकौड़े हैं वो ऊपर से कलर चेंज कर देंगे लेकिन अंदर से एकदम कच्चा रहेगा, क्योंकि बेसन है, थोड़ा सा टाइम लेगा पकने के लिए। देखिए तो अब मैंने पलट देती हूँ, दोनों तरफ से सिक चुके हैं, तो इन्हें पलट दें आप, और इसी तरह से आप पलट पलट कर मीडियम फ्लेम पे इन्हें सेक लें। पकौड़े हमारे सिक चुके हैं, इनका एकदम मस्त अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं इन्हें निकाल लूंगी, थोड़ा सा इस तरह से दबा के निकाले जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। इस तरह से मैं अपने दूसरे बैच के पकौड़े भी तैयार कर लूंगी। तो देखिए मैंने अपने सारे पकौड़े तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए ये बहुत ही ज्यादा क्रंची और क्रिस्पी बने हैं। तो आप भी मेरी ये पकौड़ों की रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करें, और अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें।